हेलो फ्रेंड्स, ओम लैब्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन पर रहने वाला है एंड दिस स्पेसिमेन इज नोन एज स्कॉलियोडन यानी कि डॉग शार्क। तो अगर मैं बात करूं इस स्पेसिमेन की, दिस इज अ वेरी अनकॉमन टाइप ऑफ अ स्पेसिमेन जो कि स्कूल्स में आपको बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस एज एन ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट। तो अगर मैं इस फिश की बात करूं, बेसिकली इसको डॉग शार्क या डॉग फिश भी कहा जाता है एंड दिस फिश इज वेरी कॉमनली फाउंड इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। जापान या और साउथ एशियन कंट्रीज में इस फिश को बहुत कॉमनली पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इस फिश के बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स की, तो लेट मी स्टार्ट विद क्वाइट जनरलाइज फीचर्स। जैसे कि इसकी बॉडी जो है इट इज स्पिंडल शेप, तो स्पिंडल शेप का मतलब इट इज टू पॉइंटेड। तो यहाँ पर भी ये पॉइंटेड है, ऊपर से भी एंड नीचे से भी ये पॉइंटेड है, जैसे कि एक एरोप्लेन होता है। सो एरोप्लेन इज इन द स्पिंडल शेप एंड दिस फिश इज ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर स्पिंडल शेप। तो और अगर मैं इसके बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करूँ, ये फिश जो है एक कॉर्डेट, नाउ कॉर्डेट मीनिंग ये एक वर्टिब्रेट है, इसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ये बोनी फिश ना होकर कार्टिलेजिनस फिश है। तो हमारे उसमें हमारे फिशेज के क्लासिफिकेशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल्स एंड अदर इज ऑस्टिकाइल्स। सो दिस वन बिलोंग्स टू द कॉन्ट्रैक्टाइल्स क्लास, यानी कि ये कार्टिलेजिनस फिश है। सो एंड जो ये जो फिश है इट इज डिवाइडेड इंटू डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। तो अगर मैं इसकी वेंट्रल साइड की बात करूं, जो आप लाइट पार्ट देख रहे हैं, दिस इज द वेंट्रल साइड, राइट। अब वेंट्रल साइड पे आप नेयर्स देख पाएंगे, कुछ ऊपर की तरफ कुछ स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं जिनको नेयर्स यानी कि नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इन नोस्ट्रिल्स का काम रेस्पिरेशन में तो नहीं होता, बट दे एक्ट एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके बाद हम चलते हैं माउथ पर। तो इसका जो माउथ है वो वेंट्रोलैटरली लोकेटेड होता है। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये लेटरल साइड पे है एंड वेंट्रल पोजीशन पर है, तो वेंट्रोलैटरली इसका माउथ प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर हमारे फिन्स होते हैं, वी हैव पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स, दोनों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो वी हैव पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स यहाँ पर इस पर प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। इसके बाद इस फिश के अंदर सभी सिस्टम्स बहुत अच्छे से डिफाइंड होते हैं। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल पाउचेस एंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ कमिंग टू द बकल कैविटी, इसोफेगस, देन स्टमक, ये सारा बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है। देन द फिश हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे जब हम इन्हें डाइसेक्ट करेंगे। हाउएवर ब्लड का जो कलर है दैट इज कलरलेस। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेल डिफाइंड। बात करें इसके ओवरऑल हेड रीजन की, तो हेड रीजन जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है एंड सो एज दी ट्रंक रीजन। सो दीज हेड एंड ट्रंक रीजन आर अपेरेंटली कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से ये अपनी इस शेप में अपने आप को सस्टेन कर सकती है। तो ये थे हमारे कुछ जनरलाइज फीचर्स स्कॉलियोडोन यानी कि डॉग फिश के ऊपर। और इस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।